गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है हम 23 चैप्टर पत्र लेखन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन मैंने आपको समझा दिया था, जिसमें आपको मैंने दो दिए थे, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा परोपकार, वही आपको लर्न करने हैं। और अब जो है 23 जो कि आपके हैं पत्र लेखन, लेटर राइटिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ओके। तो आज जब हमें किसी दूर बैठे व्यक्ति से संपर्क करना होता है तो हम मोबाइल, इंटरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। मतलब आज तो क्या इंटरनेट से, मोबाइल से जब देखो तब, जब चाहो तब अपना संदेश उन तक भेज सकते हैं। आपसी संपर्क हेतु पत्र का उपयोग अब कम होने लगा है, अब इतना पत्र नहीं लिखते, ठीक है, सब ऑनलाइन काम होता है। लेकिन विशेष अवसरों पर तथा यथा जन्मदिन, विवाह, नव वर्ष पर बधाई या निमंत्रण पत्र इत्यादि अभी भी लिखे जाते हैं। इनके अलावा कई कारणों से आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र यानी किसी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने को आवेदन करना है तो उसके लिए पत्र लिखा जाता है। शिकायती पत्र यानी अपने नगर में कोई गंदगी है या टेलीफोन सेवा सही समय पर नहीं मिल रही है तो उसके लिए एक शिकायत पत्र होता है, शिकायत करने के लिए वो पत्र लिखा जाता है। फिर व्यावसायिक पत्र यानी ऑफिसर लेटर जिसे बोलते हैं, व्यवसाय से संबंधित पत्र जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब देखो, पत्र लिखते समय हमें किन बातों का याद रखनी चाहिए या किन बातों को स्मरणीय रखना चाहिए। तो सबसे पहले पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट हो, पत्र की भाषा क्या हो, सरल और स्पष्ट। पत्र संक्षिप्त हो, पत्र क्या हो, संक्षिप्त यानी बहुत छोटे हो। अनावश्यक विस्तार ना हो, अनावश्यक विस्तार का मतलब होता है फालतू की बातें उसमें ऐड ना हो। पत्र में मूल बातों पर विशेष बल देना चाहिए, पत्र में जो मूल बातें हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ओके। पत्र दो प्रकार के होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ओके। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, ठीक है, दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब देखो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जैसा कि बोर्ड पे भी मैंने लिखा हुआ है, पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र, ओके। पहला है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, देखो प्रधानाचार्य, अध्यापक, अधिकारियों तथा व्यवसाय से संबंधित लोगों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। फिर आता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं अपन, परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब देखो कुछ बिंदु मैंने दोनों के लिखे हैं, पॉइंट, बिंदु यानी पॉइंट। एक तो औपचारिक पत्र में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातें पहले आती है, कौन सी बातें बाद में आती है, वो सब लिखे हैं, और अनौपचारिक पत्र में, ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले औपचारिक पत्र में बिंदु क्या क्या पॉइंट लिखे जाते हैं, सबसे पहले भेजने वाले का नाम व पता, जो पत्र लिख रहा है ना, भेज रहा है, उसका नाम और पता आएगा। उसके बाद आपके दिनांक आएगी, क्या आएगी, दिनांक यानी डेट आएगी। फिर पाने वाले का पद, नाम और कार्यालय का नाम, मतलब जो पत्र को प्राप्त कर रहा है उसका पद आएगा, उसका नाम आएगा और उसके ऑफिस का नाम आएगा, ओके। फिर आएगा आपके संबोधन, संबोधन मतलब हम लिखेंगे तो ये तो लिखेंगे ना, मान्यवर, महोदय, आप जैसे इंग्लिश में लिखते हो सर, मैडम, जो भी लिखते हो वो, तो यहाँ पर संबोधन यानी मान्यवर या महोदय। फिर पत्र की विषय वस्तु, जो बीच का मैटर होता है ना वो विषय वस्तु, ओके। फिर आएगा समापन और धन्यवाद, लास्ट में समापन करना है और धन्यवाद लिखना है, और वहाँ पर जैसे आपका प्रिय मित्र ऐसा वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सीधा क्या लिखोगे, भवदीय और फिर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी साइन, और फिर उस जो लिख रहा है उसका नाम। तो ये तो हो गया औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं उसके पॉइंट। फिर अनौपचारिक पत्र के मुख्य बिंदु, पॉइंट, ओके। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाम, पता और दिनांक, सबसे पहले जो लिख रहा है उसका नाम, फिर उसका पता और नीचे डेट आएगी, ओके। फिर संबोधन और अभिवादन, फिर क्या आएगा, संबोधन और अभिवादन। अब संबोधन और अभिवादन में
इसमें जो है ये नहीं लिखेंगे अपन क्या मान्यवर और महोदय, नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रिय, पूज्यवर या आदरणीय, ओके। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नमस्ते, ये सब शब्द, जैसे अपना हम उम्र है, ठीक है, तो प्रिय, छोटा है तो भी प्रिय लिखेंगे, पूज्यवर और आदरणीय किसके लिए, जो अपने से बड़े, ठीक है, और नमस्ते अपने से बराबर वालों का, ठीक है, अपने टीचर वगैरह है उनको नमस्ते लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा आपके, विषय वस्तु, क्या आएगा, विषय वस्तु, यानी वही बीच का मैटर। फिर लास्ट समापन, आपका हस्ताक्षर, समापन करना है आपका भाई, आपका मित्र लिख के, फिर आपके साइन। तो ये आपके कैसे मैटर तैयार करना है पत्र का, वो कुछ पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। तो मैं इन लेटर राइटिंग में से, यानी पत्र लेखन में से आपको दो पत्र करवा रही हूँ, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक, और वही आपको लर्न करना है, ओके। तो जैसे अपन औपचारिक पत्र में पत्र नंबर ले लेते हैं फिफ्थ, कौन सा फिफ्थ, पेज नंबर 106, और टॉपिक है सफाई के लिए शिमला नगर निगम के आयुक्त को प्रार्थना पत्र। मतलब शिमला जो नगर है ना, नगर निगम, शिमला नगर निगम, वहाँ पर जो है वहाँ के एक शहर का नाम है चंडीगढ़, वहाँ पे क्या है, बहुत जो गली है एक, उस गली में बहुत गंदगी है, तो हम किसको शिकायत करेंगे, नगर पालिका हो तो नगर पालिका, नगर निगम हो तो नगर निगम, उसको हम शिकायत करेंगे। तो उसके लिए पत्र है, तो सफाई के लिए शिमला नगर निगम के आयुक्त को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्या आता है और बीच में कैसे स्टार्ट करना है वो थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझा देती हूँ, उसके बाद आपको पढ़ के समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे पहले जो लिख रहा है उसका नाम पता और एड्रेस आएगा, तो सेवा में क्या लिखेंगे, इधर इस साइड, राइट साइड क्या लिखना है आपको, सेवा में फिर आयुक्त महोदय, आयुक्त यानी नगर निगम का जो ऑफिसर है उसको क्या बोलते हैं, आयुक्त महोदय, श्रीमान भी लगा सकते हो आप, श्रीमान आयुक्त महोदय, ओके। फिर नगर निगम, ओके, नगर निगम आ गया, फिर नगर निगम कहाँ का है, चंडीगढ़, कहाँ का है, चंडीगढ़, ओके, ये आ गया। फिर आपकी क्या आएगी, दिनांक, क्या आएगी, दिनांक, इसी के नीचे आप एक लाइन छोड़ दो और फिर क्या लिखोगे, दिनांक, क्या लिखोगे, दिनांक, ओके। फिर दिनांक लिख दी, ओके। अब दिनांक कैसे लिखोगे, ये जो आपके लिए लिखी हुई ना 16/4/2018 ऐसे लिखो, जैसे 16 आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 16 अप्रैल 2018, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, अपन 2021 कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, 21। अब देखो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, चार 2021 दोनों ही सही है, ओके। फिर आपको लिखना है विषय, विषय लिखोगे आप, अब विषय क्या है, विषय यानी सब्जेक्ट क्या है आपके, जो है आप जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या लिखोगे, देखो सफाई हेतु चंडीगढ़ नगर निगम को पत्र, ठीक है, ये हो गया।
फिर उसके बाद जो है मैंने बोला ही था अपन को संबोधन करना है, मान्यवर कहो या महोदय कहो एक ही बात है, भले आप मान्यवर लिखो या महोदय, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने मान्यवर, फिर कॉमा कर दिया आपने, फिर उसके बाद अपने को मैटर स्टार्ट करना है। देखो मैटर स्टार्ट करते समय अपने को क्या करना है, इसके नीचे से शुरू करना है। मान्यवर लिखा है ना, तो वर के नीचे से स्टार्ट कर दो। निवेदन ये है कि अभी ये स्टार्ट हो गया, तो मैटर मैं आपको बुक में से ही समझा देती हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना आ नहीं रहा है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ से शुरू किया हमने इसके नीचे से, तो क्या लिखा देखो, ये तो आपको समझ में आ गया ना, सेवा में आयुक्त महोदय नगर निगम चंडीगढ़ दिनांक, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 अप्रैल 2021, और ऐसे भी लिख सकते हो 16/4/2021, ओके। फिर विषय सफाई हेतु चंडीगढ़ नगर निगम को पत्र। फिर आपको लिखना है मान्यवर, और मान्यवर लिख के आपको जो विषय है जो मैटर है वो तैयार करना है। तो निवेदन है कि हम गली नंबर 8 अशोक नगर के निवासी आपका ध्यान इस गली में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं। मतलब गली में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उसकी या आप अपने मन से भी लिख सकते हो इस मैटर को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किताब में जो लिखा है वही, बुक में जो लिखा है वही लिखो, तो उसको थोड़ा सा अपने मन से भी आप इसको लिख सकते हो। तो गली में फैली हुई गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं, और इस गली में कई दिनों से कोई सफाई करने वाला कर्मचारी कभी कभी ही आता है। मतलब जो सफाई करने आते हैं ना कर्मचारी, वो जो हैं कभी कभी आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। और नालियों की तो इसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, नालियों की ओर तो कभी इसने ध्यान ही नहीं दिया। जगह जगह पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, गड्ढे बने हुए हैं और बहुत सारा गंदा पानी जिससे मच्छर आते हैं, बीमारियां फैलती है, तो गड्ढों में पानी भरा है। अब भी गली पार करनी हो तो नाक पर रुमाल, सॉरी जब भी गली पार करनी हो तो नाक पर रुमाल रखकर ही उसे पार करना पड़ता है, ओके। मच्छरों ने पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया है, और गली के घरों की सारी गंदगी बाहर जमा हो जाती है। सफाई कर्मचारी को कई बार समझाया कि आप सफाई अच्छे से करो, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता। हमें भय है, हमें डर है कि कहीं कोई भयानक बीमारी ना फैल जाए, गंदगी होगी आसपास तो भयानक बीमारी फैलेगी। अतः आपसे, फिर इतना लिखने के बाद आप नीचे की लाइन से शुरू करना, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को भेजकर निरीक्षण करवाएं, ठीक है, तथा किसी ऐसे सफाई कर्मचारी को नियुक्त करें जो प्रतिदिन सफाई कराए, ऐसे नहीं कि जो केवल कभी कभी सफाई करवाए, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त ना करें। आशा है कि आप हमारी प्रार्थना की ओर अवश्य ध्यान देंगे। फिर उसी के बाद इसी के नीचे से आपको जो है क्या लिखना है ना, लिखने के बाद जब मैटर जहाँ समाप्त हो जाता है उसी के नीचे आपको लिखना है धन्यवाद, ठीक है, सहित, ये लिख दिया, ओके, कॉमा, फिर भवदीय जो लिख रहा है उसका नाम, ओके, भवदीय निवासी जो भी है उस गली के वो, ओके, फिर गली नंबर कौन सी थी, 8 अशोक नगर, अशोक नगर कहाँ है, चंडीगढ़ में, कहाँ है, चंडीगढ़ में, ओके। तो ये इस तरीके से पूरा मैटर समाप्त हो जाए, उसके बाद नीचे लिखना है, इसी की राइट साइड में लिखना है सब कुछ, नीचे लिखना है धन्यवाद सहित भवदीय निवासी, फिर गली नंबर 8 अशोक नगर, सारे निवासी भी लिख सकते हो या निवासी भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क के तौर पे करना है, और इसको लर्न भी करना है। इसके अलावा एक उदाहरण मैं आपको अनौपचारिक पत्र का भी बता देती हूँ, तो ये दोनों पत्र आपको लर्न करने हैं, क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ओके, अनौपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र भी आपको समझा देती हूँ, ओके। तो
पेज नंबर 108 में सेकंड नंबर पे जो है छोटा भाई जो आवासीय विद्यालय में पढ़ता है, आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल में पढ़ता है, और उसे खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए एक पत्र लिखना है। तो जो वो हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, हॉस्टल को हिंदी में छात्रावास कहते हैं, तो वहाँ रह रहा है और वो खेलकूद में भाग ले रहा है, तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी उसे भाग लेना चाहिए, इसके लिए उसे प्रेरणा देनी है। तो उसके लिए उसका बड़ा भाई उसको पत्र लिख रहा है, तो वो जहाँ रहता है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम राइट साइड में, इस साइड क्या लिखेंगे, छात्रावास, ओके। फिर नीचे आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय CBSE स्कूल, ओके। कहाँ की है, दिल्ली, कहाँ की है, दिल्ली। ओके, फिर ये लिखने के बाद आपको लिखना है दिनांक, क्या लिखनी है, दिनांक। दिनांक से पूर्व चाहो तो एक लाइन छोड़ देना, ओके। फिर दिनांक लिखने के बाद दिनांक वही आप ऐसे भी लिख सकते हो, मंथ का नाम भी लिख सकते हो और सीधे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10/4/2018 लिखा हुआ है, मैं 21 लिख देती हूँ, आप 2022-21 जो भी है सन लगा देना, ओके, ठीक है, 2022 लगा देना, पर अपने ईयर तो अभी 21 ही गया है इसलिए 21 लिख दिया, ओके। फिर उसके बाद अपने को एक लाइन छोड़नी है फिर से, और फिर क्या लिखना है, अपने छोटे भाई का, छोटे भाई को लिख रहा है बड़ा भाई, तो छोटे भाई का नाम लिखना है। अब छोटा है तो उसको क्या बुलाएंगे, प्रिय, और नाम दे दिया यहाँ पर रोहित, क्या नाम दिया, रोहित, ओके। और फिर अपने से जो छोटे होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, सॉरी क्या देते हैं, आशीर्वाद, क्या देते हैं, आशीर्वाद। और अपने से जो बड़े होते हैं उन्हें हम या तो प्रणाम करते हैं या सादर प्रणाम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, और जो अपने बराबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नमस्ते। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रिय छोटा है, तो छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, सुभाशीष, क्या लिखेंगे, सुभाशीष, ओके, सुभाशीष लिख दिया, ओके। फिर जो है यहाँ पर राइट साइड में सब लिख दिया, उसके बाद यहाँ से शुरू आपको करना है। तो जैसे कल ही मुझे यहाँ से ऐसे मैटर स्टार्ट कर दिया, तो मैटर मैं बुक में से पढ़ लेती हूँ ताकि वीडियो बड़ा नहीं होगा, ओके। जैसे कल ही मुझे तुम्हारे छात्रावास निरीक्षक का एक पत्र मिला, जो छात्रावास संभालता है ना, वार्डन जो जिसे कह सकते हैं, का एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, मतलब खुशी हुई कि तुम बेहद मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत मन लगा के तुम पढ़ाई कर रहे हो, पर इस बात का विशेष दुख है कि तुम खेलकूद में बिल्कुल भाग ही नहीं लेते, खेलकूद में हिस्सा ही नहीं लेते, कोई रुचि दिखाते ही नहीं हो। फिर वो बोल रहा है प्रिय अनुज, अनुज कहते हैं छोटे को, तो प्रिय अनुज यानी प्रिय छोटे या छोटे भाई, जिस प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर को सुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए, सुस्त यानी एकदम स्वस्थ और फुर्तीला फास्ट बनाने के लिए खेल भी विशेष सहायक होता है। अगर हम मस्तिष्क यानी अपने सिर को जो है स्वस्थ बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही वैसे शरीर को सुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए भी हमें खेल की विशेष आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और खेलों द्वारा सहनशीलता, परस्पर सहयोग और मित्रता जैसे गुण विकसित होते हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई के अतिरिक्त खेलों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्रिकेट तो तुम्हें बचपन से प्रिय है, ओके, और इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें अन्य किसी खेल में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, तो तुम उसे भी खेल सकते हो। आशा है
तुम अब शिकायत का मौका नहीं दोगे, से सब कुशल है घर पर, मतलब लास्ट में अपने को ये लिखना है कि सब कुशल है, नहीं सब ठीक है घर पर, सभी तुम्हें याद करते हैं, मम्मी पापा की ओर से तुम्हें आशीर्वाद और मेरी ओर से बहुत स्नेह। अपन छोटों को क्या देते हैं, प्यार ही देते हैं। फिर नीचे आपको लिखना है, कौन लिख रहा है, बड़ा भाई, तो इसके नीचे क्या लिखोगे, जहाँ मैटर समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है आप क्या लिखोगे, तुम्हारा बड़ा भाई। ओके, बड़े भाई का नाम यहाँ पे दे रखा है अमन, क्या दे रखा है, अमन। ओके, तो अब देखो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, जहाँ वो रह रहा है उसका एड्रेस, छात्रावास केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। ओके, दिनांक जो डेट है वो लिखनी है, आप जिस दिन एग्जाम हो वो भी लिख सकते हो। फिर प्रिय रोहित सुभाशीष, ओके, प्रिय रोहित, छोटे भाई का नाम रोहित दे रखा है, वो रोहित लिख दिया उसने, और सुभाशीष। फिर वही मैटर शुरू करना है, और फिर मैटर पूरा होने के बाद नीचे आपको लिखना है, राइट साइड में लिखना है, तुम्हारा बड़ा भाई अमन। ओके, तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको दो पत्र बताए, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, और ये दोनों लेटर आपको लर्न करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, दोनों लेटर जो है आपको लर्न करने हैं, ये दोनों लेटर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इन्हीं को लर्न करना है, और इन्हीं को आपको होमवर्क में भी करना है, ठीक है। आज का होमवर्क भी यही रहेगा, ये दोनों लेटर आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो एक तो सफाई, गली में जो है गंदगी फैली है, सफाई के लिए वो एक शिकायत पत्र लिखवाया था चंडीगढ़ वाला, वो लिखना है, और दूसरा ये वाला जो है खेलकूद के लिए प्रेरित करते हुए, पेज नंबर मैंने आपको नोट करवा दिए, तो आप उसको लिख देना। ओके, और मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, यही होमवर्क सेंड कर दूंगी कि आपको आज होमवर्क में क्या करना, यही दोनों लेटर आपको लिखने हैं, पीछे के क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं करने, केवल ये दो लेटर आपको लर्न करने हैं। ओके, और फिर भी इन लेटर में आपको कोई परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे गूगल मीट पे पूछ सकते हो। थैंक यू।